हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पति हैं और आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी का मुकदमा पत्नी ने फाइल कर दिया है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। देखिए, ये पति पत्नी का जो विवाद है ये लगातार बढ़ता जा रहा है कोर्ट में। इन मुकदमों की भारी भरकम भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप सेक्शन 9 फाइल करिए। सेक्शन 9 फाइल करिए बुलाने का, अगर अलग अलग रह रहे हैं तो। उसके बाद अगर लड़की ने 498A का भी मुकदमा किया, घरेलू हिंसा किया, 125 भी किया है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 125 वाले में कब अपीयर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर घरेलू हिंसा 498 से कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, आप बारी बारी से उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको इन वीडियो को देखने के बाद बहुत ही राहत भरी सांस लेनी होगी और आपको ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि हमको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग 498 का केस हो जाने पर इतना घबरा जाते हैं, कहीं कहीं कोई कोई लोग तो हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि जिंदगी नरक हो गई, अब जीने का मन नहीं, दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। हमने बताया, उनको समझाया कि देखो 498 का मुकदमा कोई इतना बड़ा मुकदमा नहीं होता कि तुम्हें फांसी हो जा रही है। तो भाई, जब आदमी यहाँ सोच लेता है कि भाई अब जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं तो इसको कैसे समझाया जाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए। आपको कोई आँच नहीं आएगी, न कहीं जेल जाने की जरूरत है, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, श्योर 100% मैं कह रहा हूँ। बस सिस्टम से आपको काम करने की जरूरत है। तो 125 के बारे में मेन डिस्कशन है आज का यह वीडियो हमारा। तो अगर 125 का मुकदमा हो गया तो हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे सामने वाला आपके खिलाफ क्या करेगा वो आपके बस में नहीं है, बस आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। 125 का मुकदमा जब भी हो जाए तो एक नोटिस आए बिल्कुल ना घबराइए, दूसरी आए बिल्कुल ना घबराइए, तीसरी के बाद आप कोर्ट में अपीयर होइए। कोर्ट में आप अपीयर होइए, अधिवक्ता के जरिए कॉपी रिसीव कराइए, फिर आप उसमें सवाल जवाब स्टार्ट होगा, आप अपना जवाब दाखिल करिए। उसमें जवाब देते समय प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए ही जवाब दे। अगर इन केस अगर वो जवाब देने के बाद भी आपके ऊपर 125 का खर्चा अलाउ हो जाता है तो भी रास्ते हैं, उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उसे कम कराया जा सकता, उसे खारिज कराया जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपने तय कर लिया कि मुकदमा हम लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे तो फिर कोई भी पत्नी आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि 498 का ए का जो मुकदमा है या 125 का जो मुकदमा है, ज्यादातर मामले झूठे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ही लगाए जाते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं। अगर मुकदमा झूठा है तो उसे साबित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं साबित किया जा सकता है। कई लोगों का ये सवाल था कि 125 के मुकदमे में क्या एक नोटिस के बाद ही हमें कोर्ट में हाजिर होना चाहिए, तो हम बताने के लिए ही यह वीडियो आज का हमारा रहा है कि 125 का हो मुकदमा तो भी, घरेलू हिंसा का है तो भी, जब तीसरी नोटिस आए। एक चीज और, पहली नोटिस में ही अगर आपने तामिला कर दिया, तामील हो गई, कहने का मतलब आपने सिग्नेचर करके भेज दिया, तब आपको अपीयर होना पड़ेगा, वरना कोर्ट ये भी मान के चल सकती है, सोच सकती है कि आप इच्छुक नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन अगर आपके सिग्नेचर नहीं हुए हैं, आपके परिवार का किसी का भी यह हुआ हो, उससे नहीं मतलब, अगर आपके सिग्नेचर नहीं हुए हैं तो आप 3 नोटिस तक इंतजार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।